तो आज हम पाइथन में एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर का प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमें एक रैंडम एट या फिर 12 या फिर सिक्सटीन लेंथ का पासवर्ड जनरेट कर कर देगा उसके लिए हमें दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है इंपोर्ट रैंडम और इंपोर्ट स्ट्रिंग तो सबसे पहले तो पासवर्ड में कौन कौन सी चीज़ अलाउड है तो उसका हम एक लिस्ट बनाते हैं अलाउड पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है कोई भी पासवर्ड में तो सबसे पहले तो कैपिटल ए टू जी अलाउड होता है नेक्स्ट है स्मॉल ए टू जी फिर है जीरो से लेकर नाइन एंड देन सम स्पेशल कैरेक्टर्स तो इतनी चीजें अलाउड होती हैं नॉर्मल पासवर्ड में राइट right? ओके okay. तो फिर हम क्या करते हैं हम इन सारी चीज़ों का एक लिस्ट क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल लेटर्स का एक लिस्ट स्मॉल लेटर्स का एक लिस्ट लिस्ट डिजिट्स का एक लिस्ट और स्पेशल कैरेक्टर्स का एक लिस्ट फिर इन चारों लिस्ट को हम कंबाइन कर देंगे इन ए सिंगल लिस्ट तो हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ मिल जाएगी और फिर उस लिस्ट में से कोई भी रैंडम एट ट्वेल्व सिक्सटीन वैल्यूज हम सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा पासवर्ड रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं कैप्स जो कि कैपिटल ए बी सी डी का लिस्ट होगा तो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट आस्की अपर केस ये एक मेथड है स्ट्रिंग लाइब्रेरी की ये क्या करती है मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट कर कर प्रिंट कैप्स लेट्स रन दिस ये पूरी कैपिटल ए टू जी एबीसीडी एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करती है ये मेथड ओके इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओके ए बी सी डी ई मतलब पूरी ए बी सी डी कैपिटल में आ चुके हैं हमारे पास लेकिन हमें तो लिस्ट चाहिए था दिस इज स्ट्रिंग तो हम यूज़ करेंगे लिस्ट मेथड ताकि ये स्ट्रिंग एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अब सारे लेटर्स स्प्लिट हो जाएंगे तो हमारे पास कैपिटल ए टू जी का एक लिस्ट आ चुका है सेम चीज़ हम करेंगे फॉर फॉर्ती लोअर ए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लोअर और यहाँ पर भी लोअर और उसे भी मैं आपको प्रिंट कर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास पूरी लोअर एबिसिटी का लिस्ट भी आ चुका है फिर हमें क्या चाहिए डिजिट्स डिजिट्स इज इक्वल्स टू तो यहाँ पर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड को यूज़ करेंगे आई फॉर आई इन रेंज ऑफ टेन तो इसमें क्या होगा जीरो से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ का लिस्ट हमारे पास आ जाएगा टेन क्यों नहीं आएगा बिकॉज रेंज फंक्शन में जो लास्ट आर्ग्यूमेंट होती है मतलब कि जो स्टॉप आर्ग्यूमेंट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है मतलब कि वो कंसिडरेशन में नहीं आती है तो यहाँ पर ज़ीरो से लेकर 9 तक का लिस्ट हमें मिल चुका है यूजिंग दी लिस्ट कंप्रीहेंशन नेक्स्ट क्या बचा नेक्स्ट बचा है स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल इज इक्वल्स टू अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी को कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड करने हैं, लेकिन हम तो लिख देते हैं जितने हो सकते हैं उतने मतलब कि अंडरस्कोर है फिर परसेंटेज है हैशटैग है फिर एंड इनटू कुछ भी हो सकता है ओके okay, तो ये हमारे पास चार लिस्ट रेडी हो चुके हैं अब हम इन चारों लिस्ट को कंबाइन कर देंगे एक ऑल नाम के लिस्ट में कैप्स प्लस लोअर प्लस डिजिट्स प्लस स्पेशल ओके और इसको भी प्रिंट कर देते हैं हम प्रिंट ऑल तो ये देखिए दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ पासवर्ड कैपिटल सी डी है स्मॉल सी डी डिजिट्स और स्पेशल uh, कैरेक्टर्स लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिट्स जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में है लेकिन हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए वरना वो एरर जनरेट करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर यहीं से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं हम एस टी आर फंक्शन से तो अब आप देखिए इन नंबर्स के आसपास कोट्स आ गए पहले नहीं थे राइट right? तो अब ये स्ट्रिंग बन चुके हैं ओके okay, फिर फॉर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पहले तो पासवर्ड नाम से जो कि एम टी अभी और एक लेंथ नाम से जो कि हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितनी लेंथ का पासवर्ड चाहिए लेंथ ऑफ पासवर्ड राइट right, तो वो ऑब्वियसली लेंथ इंटीजर में ही होगी तो इंटीजर में इनपुट लिया है हमने फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ मतलब कि यूज़र को जितनी लेंथ का पासवर्ड चाहिए उतनी टाइम्स हमारा ये फॉर लूप रन करेगा और यहाँ पर हमें लिखना है पासवर्ड प्लस इज इक्वल्स टू ओके स्पेलिंग मिस्टेक पासवर्ड प्लस इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चॉइस मेथड का रैंडम डॉट चॉइस फ्रॉम ऑल तो ये क्या करता है ऑल जो कि हमारा लिस्ट है उसमें से कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग चूज कर देगा और हमारे पासवर्ड में वो चला जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इटरेशन में इसने चूज़ किया ज़ीरो तो यहाँ पर चला जाएगा ज़ीरो फिर प्लस इज इक्व टू मतलब कि ज़ीरो के बाद सेकेंड इटरेशन में इसने चूज़ किया परसेंटेज तो परसेंटेज फिर डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है तो इस तरीके से हमारा पासवर्ड रेडी हो जाएगा उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं पासवर्ड इज पासवर्ड लेट्स रन लेंथ ऑफ द पासवर्ड तो लेट्स तो से ट्वेल्व तो इससे हमें बहुत ही स्ट्रांग खतरनाक पासवर्ड जनरेट करके दिया है जिसकी लेंथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व परफेक्ट हमारा प्रोग्राम परफेक्ट रन कर रहा है अगेन हम ट्राई करते हैं तो लेट्स से एटीन किसी भी लेंथ तक जा सकता है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेट्स से थर्टी और थ्री हंड्रेड लेट्स को हाँ 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 थ्री हंड्रेड राइट और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये 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 शायद थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा इफ़ योर बिगिनर तो यहाँ पर हम हर एक इटरेशन में पासवर्ड को प्रिंट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है प्रिंट पासवर्ड और ऊपर हम ऑल वाला लिस्ट भी प्रिंट कर देते हैं प्रिंट ऑल ओके okay, पासवर्ड तो इसके लिए हम कुछ स्मॉल लेंथ लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ लेथ से फोर तो यहाँ पर क्या हुआ लेंथ ऑफ पासवर्ड हमने डाला फोर इसने फर्स्ट इटरेशन में इस प्रोग्राम में से कोई भी रैंडम वैल्यू चूज की इस लिस्ट में से जो कि थी जी उसके बाद इसने चूज किया कैपिटल ई e. तो नेक्स्ट इटरेशन में वो उसके बाद कनेक्ट हो गया फिर जेड कनेक्ट हो गया और फिर एक्स कनेक्ट हो गया तो हमारा पासवर्ड बन गया राइट right. फिर से एक बार तो लेट्स से टू तो इसने वी और पी सेलेक्ट किया अब आप कहेंगे कि ये लेटर से क्यों सेलेक्ट कर रहा है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है ये पूरा रैंडम है बट बिकॉज लेटर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं आप देखिए कितने ज़्यादा फिफ्टी टू लेटर्स हैं और सिर्फ नाइन डिजिट्स हैं और पांच ही स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो उनकी प्रॉबेबिलिटी काफ़ी कम है दैट्स वाई बाकी हमारा प्रोग्राम परफेक्ट रन कर रहा है आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना थैंक यू